ओम गण गणपते नमः गणपती बाप्पा मोरयाच्या जयघोषानं भक्तिमय झालेल्या वातावरणात 1,00,000 पुणेकरांनी सामूहिक अथर्वशीर्ष पठणाचा जागतिक विक्रम केला. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या भक्ती उत्सवात अथर्वशीर्ष पठणाचे सूर निनादले. योग, साधना आणि सत्संग या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून जगभरातील लाखो नागरिकांचं आयुष्य बदलणाऱ्या श्री श्री रविशंकर यांचं मार्गदर्शन ऐकण्याची संधी यावेळी पुणेकरांना मिळाली. निमित्त होतं द आर्ट ऑफ लिव्हिंग तर्फे कोथरूडमधील सूर्यकांत काकडे फार्म येथे आयोजित भक्ती उत्सव या कार्यक्रमाचं. यावेळी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार शहाजीबाबू पाटील, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, आर्ट ऑफ लिव्हिंग महाराष्ट्राचे अपेक्स सदस्य राजेश शास्तरे, शेखर मुंदडा, राजेश धोपेश्वरकर, बलविंदर सिंग चंडोक, धीरज अग्रवाल आदी उपस्थित होते. आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे सुप्रसिद्ध गायक विक्रम हाजरा आणि गायत्री अशोकन हे सत्संगासाठी उपस्थित होते. सामूहिक अथर्वशीर्ष पठणाच्या जागतिक विक्रमाची नोंद एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स लंडन येथे झाली असून जागतिक विक्रमाचं ई प्रमाणपत्र सर्व सहभागींना देण्यात येणार आहे. श्री श्री रविशंकर म्हणाले, महाराष्ट्र अनेक काळापासून भक्ती, प्रेम आणि शौर्याच्या लाटा उसळतोय. त्यामुळं राष्ट्राचं राष्ट्र म्हणजे महाराष्ट्र. भारत देशात सगळे सिद्धांत पद्मस्वरूपात पाहायला मिळतात. आयुर्वेद देखील पद्मस्वरूपातीलच शास्त्र आहे. भगवद्गीतेतील ज्ञान देखील गाऊन सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळं भजन हे आत्मतृप्तीसाठी आहे. त्यामुळं ते मुक्त होऊन प्रार्थनेच्या रूपात समर्पण केलं नाही तर आपण चिंतामग्न होतो. कण अनंत से मिल जाए, बूंद सागर से मिल जाए, एक प्रक्रिया ही वेद वेदांत की कड़ी है. सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, अभी देवेंद्र जी ने भी बताया सर्वं खल्विदं ब्रह्मा. इसका सार जो है अथर्वशीर्ष में. और क्या पुण्य, देखो पुण्य नगरी में यहाँ तो गणपति की तो भक्ति की लहर उठती है हर साल. पूरे शहर में ऐसा माहौल होता है कि देवलोक उतर आया. सच है कि नहीं बताओ? तो पूरे महाराष्ट्र में सब जगह. और वह गणपति की आराधना हम नित्य नित्य करें, हमारे भीतर है, मूलाधार में हमेशा तुम स्थित. और कैसे मिलोगे तुम? ध्यान से मिलो. और ध्यानी लोग कैसे पाते तुम? नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगियों के ध्यान में आप हमेशा रहते हो. और कैसे? अरूप में रहते हो, आकाश रूप में, चिदाकाश के रूप में रहते हो. और पूरा बैलेंसिंग के लिए ध्यान करना पड़ेगा. और थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करेंगे तो आप पाओगे इससे शरीर मजबूत होगा, रोग निरोधक शक्ति बढ़ती है शरीर में. भाई ध्यान और योग करने से 5 गुना हमारे भीतर का रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाता है. कोरोना में जो जो लोग ध्यान करते थे, प्राणायाम करते थे, उनको इसका असर कम हुआ है ना. और आयुर्वेद में ऐसा हमारा गुण है, हम भूल रहे हैं आयुर्वेद को. जब एक कोरोना का महामारी पकड़ी तो हमने अपना आयुर्वेद के वैद्यों को बुलाया और हमको कुछ जो सूझा गणपति पप्पा ने जो हमारे दिमाग में डाला है, और कुछ सिद्ध वैद्यों को भी बुला, उनको भी बताया मैंने, आप सब लोग मिलके कुछ करो, ये जड़ी बूटी शहद करके प्रयोग करके देख. 18 अलग अलग जड़ी बूटियों को लगा के उन्होंने एक फार्मूला निकाला. अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले महीने उसका रिजल्ट आया. उन्होंने लैब में टेस्ट किया, ये 100% कोविड वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते. वो बोले आज तक कोई भी वैक्सीन 60% से आगे नहीं कर रहा था.
रोग निरोधक शक्ति, माने देखो हमारे देश की जो संपत्ति है, ज्ञान है, ये अनमोल है, अनमोल है, अमूल्य है। अब हाँ, अब भारत में भी 14 हॉस्पिटल ने, एम्स वगैरह सब 14 हॉस्पिटल ने इसका प्रयोग किया। जो पॉजिटिव थे 3 दिन में नेगेटिव होते जा रहे, और जिनको भी कोविड ऐसा लगा कि इनको किसी के पास में बैठ गए, एक दो गोली ले लिया खाने के साथ, तो प्रोटेक्शन भी हो जाता है, इट ब्लॉक्स द वायरस टू एंटर इनटू द सेल्स, ये पता लगा। इसको हमने इसीलिए हमने नाम दे दिया इसको नॉक 19। आयुर्वेद है, योग है, ज्ञान है, गान है, ऐसी संपत्ति कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। भारत का श्रेष्ठता है, भारत माता की ये संधारम संगमिता संधि सैषा गणेश विद्या गणक ऋषि विश्रुतायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम नम महे वक्रतुंडाय धीमहि कारिणं रथं च वरदं हस्तैर्विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं दम्भोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं अच्युतं आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनमो गणः।